नमस्कार। भूगोल कक्षा 6 का दूसरा अध्याय आज हम देखते हैं, जिसमें हम ग्लोब को समझने की कोशिश करेंगे और लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड, अक्षांश या देशांतर क्या होते हैं, टाइम जोन कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, उन सब के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्लोब क्या है। अगर हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, ये हम बोलते हैं कि एक स्फेरिकल बॉडी है, तो हम मैप के द्वारा इसको टू डायमेंशनली दिखा सकते हैं। अगर इसी मैप को हम थ्री डायमेंशनली दिखाना चाहें तो हम इसको जोड़ के पीछे ला सकते हैं और अमेरिका से अमेरिका पे इसको ओवरलैप कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन है जो थ्री डायमेंशनल में हम देख सकते हैं, जिसमें हम पृथ्वी को दिखा सकते हैं। तो ये पृथ्वी का जो थ्री डायमेंशनल स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको ग्लोब कहा गया है। ग्लोब में आपके अक्षांश और देशांतर देखे गए। अक्षांश वो रेखाएं हैं जो हॉरिजॉन्टली चलती हैं और इसमें दूरी हमेशा बराबर रहती है। इनको अंग्रेजी में पैरेलल्स या लैटिट्यूड्स भी कहा गया है। तो जो सबसे मध्य का अक्षांश देखा गया है वो 0 डिग्री या इक्वेटर है, भूमध्य रेखीय है, और उसके ऊपर आपको कर्क रेखा और नीचे की तरफ मकर रेखा 23 डिग्री नॉर्थ और साउथ पर देखने को मिलती है। फिर आपको आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ एंड साउथ पर देखने को मिलता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम देख सकते हैं, जिसको हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। अब हम समझते हैं कि ये पृथ्वी है जो अपनी धुरी पे घूर्ण कर रही है या रोटेशन कर रही है। इस पूरे रोटेशन में वो कितना समय लेती है? 24 घंटे। इस 24 घंटे में वो कितना डिग्री घूमेगी? 360 डिग्री। तो एक घंटा घूमने में उसको लगभग 15 डिग्री जाता है, या एक मिनट में वो 4 डिग्री कवर कर सकती है। हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ हो गई। जब हम अक्षांश की बात करते हैं, तो जैसा कि हमने समझा ये नॉर्थ साउथ चलते हैं, ऊपरी और नीचे दिशा में देखेंगे। जबकि जब हम देशांतर की बात करते हैं तो ये आपके ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। तो ये आपके 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ जाएंगे और 0 डिग्री से आपके वेस्ट की तरफ जाएंगे। पर जितने भी देशांतर हैं, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर आकर मिलते हैं, तो इनके बीच में जो दूरी है ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जो भी देशांतर हम देखते हैं, ये पूरा एक सर्कल बनाते हैं और इसको ग्रेट सर्कल कहा जाता है। इसी तरीके से इक्वेटर को भी एक ग्रेट सर्कल कहा जाता है। ग्रेट सर्कल की खासियत ये है कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स ग्रेट सर्कल पे हैं, तो उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, वो उन दोनों के बीच में एक सीधी रेखा से अगर जोड़ दिया जाए, तो मैं उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकती हूँ। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा हम ग्रेट सर्कल्स की सहायता लेते हैं। हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात की। लॉन्गिट्यूड जिसको देशांतर कहा जाता है, और इस लॉन्गिट्यूड को अगर आधे रास्ते ही जाएं तो उसको मेरिडियन कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं 0 डिग्री मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन। अभी 0 डिग्री के पीछे की तरफ जो रेखा आ रही है वो है 180 डिग्रीज, और उस 180 डिग्रीज को प्राइम मेरिडियन नहीं, उसको एंटी मेरिडियन कहा जाएगा। तो मेरिडियन जो है सिर्फ देशांतर का आधा ही हिस्सा होता है, ये इस लॉन्गिट्यूड का आधा ही हिस्सा होता है, और बचा हुआ आधा जो है वो दूसरे मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम इस नक्शे में समझने की कोशिश करें, तो ए और सी जो दो पॉइंट्स हैं, ये एक ही अक्षांश पे हैं या एक ही लैटिट्यूड पे हैं, जबकि ए और बी जो हैं वो एक ही देशांतर पे हैं या एक ही लॉन्गिट्यूड पे हैं। तो अगर किसी भी जगह की मुझे एग्जैक्ट सिचुएशन या पोजीशन जानने की इच्छा है, तो मुझे वहाँ के अक्षांश और देशांतर एग्जैक्टली अगर पता होंगे, तो मैं पूरी पृथ्वी पे उस जगह को मार्क कर सकती हूँ। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे जैसे हमने बात की, हम 0 डिग्री से दूर जाते जाते हैं, हमारा क्या होगा? 0 डिग्री जिसको हमने प्राइम मेरिडियन कहा है, इसके इधर की तरफ या ईस्ट की तरफ हम बोलेंगे कि पूर्वी गोलार्ध है और इधर की तरफ पश्चिमी गोलार्ध है, पर इसके अक्रॉस जो है वो टाइम चेंज होता है। अगर पूरी पृथ्वी पे हम घूमते रहें, तो अगर इस तरीके से हम माने, तो निश्चित तौर पे हर घूमने के साथ आपके दिन बढ़ते जाने चाहिए और वो बहुत ही बढ़ते जाएंगे, पर ये ऐसा होता नहीं है। हम जब पृथ्वी पे घूमते हैं तो हम घूम के पूरे एक दिन को ख़त्म करते हैं।
ये चीज़ ये प्रॉब्लम सबसे पहले लुइस कैरोल ने एलिस इन वंडरलैंड की किताब जिन्होंने लिखी है उन्होंने दर्शाई थी, और उनको टाइम जोन्स को लेके बहुत ही बड़ा ऑब्सेशन था। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा क्यों होता है कि अगर मैं लाइट के साथ चलता जा रहा हूँ, मैं भारत से चाइना, चाइना से पैसिफिक और अमेरिका की तरफ चलता जा रहा हूँ, और जब मैं भारत वापस लौटता हूँ तो अगला दिन शुरू हो जाता है, जबकि ये अगला दिन आया कहाँ पर? तो ये अगले दिन की शुरुआत कहाँ पर होती है? वो होती है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन पे। ये सिर्फ एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो मानवकृत है और जिसकी कोई एक स्टैंडर्ड परिभाषा नहीं है। शुरुआती तौर पे 1885 में 180 डिग्रीज को माना गया था कि इंटरनेशनल डेट लाइन है। बाद में बहुत सारे बेंड्स लाए गए थे। मुख्य बेंड आपका बेरिंग स्ट्रेट में आता है, फिर किरीबाती आइलैंड जो है जिसमें 33 आइलैंड्स का द्वीपों का समूह है, उसके आइलैंड्स पृथक हो रहे थे, तो उन सबको एक डेट लाइन की एक तरफ लाया गया 1995 में। पर यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई कि हवाई और किरीबाती जो कि एक ही देशांतर पे आते हैं, दोनों अलग अलग डेट्स फॉलो करते हैं। अगर एक जगह गुरुवार है तो दूसरी जगह बृहस्पतिवार होगा, या वाइस वर्सा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई। फिर अगला जो आपका डेट लाइन में बेंड देखा गया है वो नीचे समोआ आइलैंड की तरफ है, और फिर उसके नीचे चाथम आइलैंड की तरफ है। तो ये आपके इंटरनेशनल डेट लाइन में बेंड्स देखे गए हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि पूरी की पूरी कंट्री में एक ही डेट फॉलो होनी चाहिए, एक ही दिन फॉलो होना चाहिए। अब जैसा कि मैंने बोला, पृथ्वी पे अगर मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ और घूम के वापस यहाँ पर आती हूँ तो पूरा एक दिन ख़त्म हो जाता है। तो ये जो चीज़ कहाँ से डिसाइड हो रही है, ये चीज़ आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन से डिसाइड हो रही है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन आप जब भी क्रॉस करते हैं ईस्ट की तरफ, मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ अगर आप जाते हैं, तो आप एक दिन खो देते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन है, इधर आपके अमेरिकन कॉन्टिनेंट है और इधर आपका एशिया है, अगर आप अमेरिका से एशिया की तरफ जब आते हैं तो इंटरनेशनल डेट लाइन अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो इधर अगर थर्सडे है तो इधर फ्राइडे हो जाएगा, मतलब बृहस्पतिवार से शुक्रवार हो जाएगा, और आपने अपना एक दिन पूर्णतः खो दिया है। अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर फ्राइडे से थर्सडे हो जाएगा, मतलब अभी भी आपके पास फ्राइडे जीने का समय है, तो आपको एक बोनस दिन मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो हम इंटरनेशनल डेट लाइन से समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है वो 0 डिग्री, जो हमने प्राइम मेरिडियन की बात की है, अब हम डेट लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम प्राइम मेरिडियन की बात कर रहे हैं, जो 0 डिग्री हमने प्राइम मेरिडियन की बात की है उससे 5.5 डिग्री ईस्ट की तरफ हमारे भारत का समय लगता है। और भारत की रेखा ये है जो कि 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट तक है, पर फिर भी हम पूरे भारत में एक ही टाइम जोन को मानने की कोशिश करते हैं। अलग अलग देशों में, अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग टाइम जोन्स माने जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर 0 डिग्री, जिसको हमने प्राइम मेरिडियन कहा है, उसको रखते हैं, जो कि आपका लंदन में स्थित है, और दोनों तरफ हम 180 डिग्री जाते हैं, और ये 180 डिग्री दो रेखाओं में दिखाया गया है, पर ये जुड़ के एक ही रेखा बन जाएगा, और जो कि आपका एंटी मेरिडियन कहलाएगा, जो कि अपोजिट में होगा। हर रेखा जो है वो 15 डिग्री के अंतराल पे है, और हर दूसरी रेखा पे हमने 30 डिग्री मार्क किया है, 30 डिग्री का अंतर मार्क किया है, तो आपकी सुविधा के लिए वो किया गया है। और जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था, हर 15 डिग्री पे कितने घंटे का फर्क पड़ेगा, 1 घंटे का फर्क पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं 90 डिग्री वेस्ट से 30 डिग्री वेस्ट पे जाती हूँ, यहाँ पे अगर मेरा समय 2 बजे है तो 30 डिग्री वेस्ट में मेरा समय क्या होगा, क्योंकि मैं पूरब की तरफ जा रही हूँ, पूरब पे पहले सूर्योदय हुआ है, तो वहाँ समय घड़ी आगे होगी निश्चित तौर पे। तो अगर मैं यहाँ पर 2 PM मेरी घड़ी बता रही है, तो मेरा दोस्त जो कि 30 डिग्री वेस्ट पे है उसकी घड़ी कितना बता रही होगी, हर लाइन पे जैसा कि हमने बोला 1 घंटे का फर्क पड़ेगा, तो 2 बजे हैं, दिन के 3, दिन के 4, दिन के 5, दिन के 6, शाम के 6 बज जाएंगे आपके 30 डिग्री वेस्ट पे। तो अगर मेरे यहाँ जब मैं 90 डिग्री वेस्ट पे हूँ, मेरा समय 2 PM है, तो मेरे दोस्त का समय जो कि 30 डिग्री वेस्ट पे है उसकी घड़ी में समय शाम में 6 PM हो रहा होगा। इसी तरीके से अगर मुझे ये 2 PM 6 PM की वैल्यू दी गई है और 90 डिग्री वेस्ट दिया गया है, तो मैं यहाँ का जो देशांतर है वो निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है 4 घंटे का फ़र्क है, 4 घंटे मैं पूरब की तरफ जा रही हूँ, तो समय जो देशांतर है वो पूरब की तरफ जाएंगे, तो 90 डिग्रीज से पूरब की तरफ मुझे 60 देशांतर जाना है, तो वो 30 डिग्रीज वेस्ट हो गया। अगर इसी तरीके से मुझे पश्चिम की तरफ जाना होगा तो क्या होगा, मैं समय
खो दूंगी या मेरे पास बोनस समय होगा। मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ 1 बजेंगे, दिन के 12 बजेंगे, सुबह के 11 और सुबह के 10 बज रहे हैं। तो जिस समय पर जो मेरा दोस्त 150 डिग्री वेस्ट में है वो सुबह का नाश्ता कर रहा है, यहाँ वाला लंच कर रहा होगा और यहाँ वाला डिनर कर रहा होगा। इसका मतलब जो 150 डिग्री वेस्ट पे है उसके पास अभी भी पूरा दिन शेष है, क्योंकि उसका लंच भी बाकी है, उसका डिनर भी बाकी है। पर जो 30 डिग्री वेस्ट में है उसका लंच भी हो चुका, उसका ब्रेकफास्ट भी हो चुका, तो वो अपना समय लूज कर चुका है, जबकि इसके पास अभी बोनस टाइम है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराडॉक्स है जो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आप मिस नहीं कर सकते हैं। तो इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा एब्रिवेशन है EGA और WLS, मतलब ईस्ट की तरफ आप जाएंगे तो आप गेन करेंगे और ऐड करेंगे। तो जैसे कि हमने समय को यहाँ पर ऐड किया, 2 PM से 6 PM हो गया। जब आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आप लूज करेंगे समय और आप सप्रैक्ट करेंगे, मतलब आप घड़ी में पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप ये याद रखते हैं तो इस तरफ आपको एडिशन करना है, और अगर आप इस तरफ जाते हैं तो आपको सप्रैक्शन करना है, तो आपकी टाइम जोन की आधी प्रॉब्लम्स यहीं पे सॉल्व हो गई। पर इसमें मैं थोड़ा सा ट्विस्ट दे देती हूँ। अब मान लीजिए कि मेरी फ्लाइट ड्यूरेशन भी मैंने इसमें इंक्लूड कर ली। मान लीजिए कि मैं 2 PM पर 90 डिग्रीज वेस्ट पे हूँ, मुझे मेरे दोस्त के पास जाना है जो कि 30 डिग्री वेस्ट पे है, 2 घंटे की मेरी फ्लाइट है। तो जब मैं 30 डिग्री वेस्ट पे पहुँचूंगी तब वहाँ पर समय कितना हो रहा होगा? तो जब मैं यहाँ से चली हूँ 2 PM हो रहे हैं, दिन के 2 बज रहे हैं, 2 घंटे की मेरी फ्लाइट है, तो 3 और 4 तो बज गए, वो तो एक्चुअल टाइम है जो मुझे लगा। पर अब मैं टाइम जोन्स में भी शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं टाइम जोन्स में शिफ्ट कर रही हूँ यहाँ से 4, 5, 6, 7 और 8। तो जिस समय मैं 30 डिग्री वेस्ट पे पहुंचूंगी तब वहां पर शाम के 8 बज रहे होंगे। तो ये तो हो गया जब आप पूरब की तरफ जा रहे हैं। अब मान लीजिए यही फ्लाइट लेके मैं पश्चिम की तरफ जाती हूँ। अगर मैं यही फ्लाइट लेके पश्चिम की तरफ जाती हूँ तो क्या हुआ, 2 बज रहे हैं, 2 घंटे की मेरी फ्लाइट है, तो 4 बज गए। अब 4 बजे से मैं पीछे की तरफ जाऊँगी तो 3 बजे, 2 बजे, 1 बजा और दिन के 12 बज गए। तो जो मेरा फ्रेंड 150 डिग्री वेस्ट पे है, अगर मैं उसके पास पहुंचूंगी तो वहां पर दिन के 12 बज रहे होंगे, और जो मेरा फ्रेंड 30 डिग्री वेस्ट पे है उसके यहाँ अगर मैं पहुंचूंगी तो शाम के 8 बज रहे होंगे। तो टेक्निकली स्पीकिंग आप ये कह सकते हैं कि अगर आप मानते हैं कि आप अमेरिका से एशिया की तरफ फ़्लाइट लेके आ रहे हैं तो फ़्लाइट का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, अगर आप एशिया से वापस अमेरिका की तरफ फ़्लाइट लेके जा रहे हैं तो आपका फ़्लाइट का ड्यूरेशन कम होगा। वो डिफरेंस कहाँ से आता है? वो डिफरेंस यहाँ से आता है जो हमने अभी समझने की कोशिश की। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको मिस नहीं करना है। अब जैसे ही हमने टाइम जोन की बात की थी, हमने 0 डिग्री मेरिडियन की बात की थी। 0 डिग्री, जिसको हमने प्राइम मेरिडियन भी कहा था, वो जगह है जहां पर आपका टाइम कांस्टेंट रहता है या 0 डिग्री माना गया है। तो ये 0 डिग्री सिर्फ 0 डिग्री पे नहीं है, जबकि प्लस 7.5 डिग्रीज वेस्ट और ईस्ट के बीच का जो क्षेत्र है उस पूरे में हम बोलते हैं कि टाइम जो है स्टैंडर्ड माना गया है, और उसके रेफरेंस में हम बचे हुए टाइम निकालते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हम टाइम जोन्स देखें तो वो कौन सी देश के हैं? वो फ्रांस के हैं, क्योंकि फ्रांस की टेरिटरीज फ्रांस से दूर भी हैं। अगर सिर्फ मेनलैंड की बात की जाए तो रशिया, जिसको हम कहेंगे, वो सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स में विभाजित है। तो अगर आप लेनिनग्राद से चल के व्लादिवोस्तोक तक जा रहे हैं तो आप लगभग बहुत सारे 11 टाइम जोन्स आप जो हैं वहाँ पर चेंज कर लेंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने ईस्ट गेन ऐड समझा, और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आप किस तरीके से समय लूज करेंगे। इंटरनेशनल डेडलाइन को अगर आप इस तरफ क्रॉस कर रहे हैं, अगर आप एशिया की तरफ आ रहे हैं तो आप एक दिन खो रहे हैं, अगर आप अमेरिका की तरफ जाते हैं तो आप एक दिन, आपके पास एक्स्ट्रा है, बोनस है। तो अगर यहाँ पर थर्सडे है तो यहाँ पर फ्राइडे हो जाएगा, मतलब आप एक दिन खो चुके हैं, आपका थर्सडे ऑलरेडी जा चुका है। पर अगर यहाँ फ्राइडे है तो यहाँ थर्सडे होगा, मतलब अभी भी आपके पास फ्राइडे जीने का समय है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इंटरनेशनल डेडलाइन का है। आखिरी कॉन्सेप्ट जो इस अध्याय में हम समझेंगे वो है डेलाइट सेविंग टाइम का। डेलाइट सेविंग टाइम का मतलब ये होता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है, अगर जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर 24 घंटे दिन और रात होते हैं क्योंकि सीधी किरणें पड़ती हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती हैं, तो हम बोलते हैं पोल्स पे या ध्रुवों पे 6 महीना दिन और 6 महीना रात होती है। तो जो बीच का हिस्सा है, जो 66 डिग्री या 60 डिग्री के आसपास का हम हिस्सा बोलते हैं, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर गर्मियों में दिन लंबे होंगे, समर्स में
विंटर्स में उल्टा होगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए डेलाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट दिया गया। जर्मनी ने इसकी शुरुआत की थी और 2016 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। 1916 में ये कॉन्सेप्ट आया था, 2016 में 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि स्प्रिंग्स में या गर्मियों में आप अपनी क्लॉक्स को या घड़ियों को आगे कर देते हैं। आप अपनी घड़ी को जब आगे कर देंगे तो क्या होगा, गर्मियों में आपके पास ज़्यादा सनलाइट आ रही है तो आपके दिन लंबे हो जाएंगे। तो शाम में जो रोड एक्सीडेंट्स होते थे, जो डस्क का टाइम होता था, आप उन सब चीज़ों से, घटनाओं से बच जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गर्मियों के महीनों में जो 60 डिग्रीज या नॉर्थ की तरफ के कंट्रीज़ हैं और साउथ हेमिस्फीयर में साउथ की तरफ की कंट्रीज़ हैं, उनमें ये डेलाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट लिया गया। मुख्यतः स्टैंडर्ड एक घंटा आगे पीछे करना माना गया, पर इसका एक एक्सेप्शन था ऑस्ट्रेलिया में लॉर्ड होवे आइलैंड, जहाँ पर 30 मिनट का डिफरेंस ही किया गया है। तो हमने अपनी घड़ियों को गर्मियों में एक घंटा आगे कर दिया, जो कि मार्च से लेकर लगभग सितंबर तक चलता है, और फिर वापस हम अपनी घड़ियों को एक घंटा पीछे कर देते हैं। इसको स्प्रिंग फॉरवर्ड और फॉल बैकवर्ड भी कहा गया है। तो जो येल्लो से मार्क कंट्रीज़ हैं, ये सारी वो उत्तरी गोलार्ध की कंट्रीज़ हैं या राष्ट्र हैं जो डेलाइट सेविंग फॉलो करते हैं। जो ब्लू से मार्क्ड है वो दक्षिणी गोलार्ध के वो राष्ट्र हैं जो डेलाइट सेविंग फॉलो करते हैं। जो व्हाइट में मार्क्ड है वो राष्ट्र हैं जिन्होंने आज तक कभी डेलाइट को कंसिडर ही नहीं किया, और बाकी राष्ट्रों ने कंसिडर किया था पर अब उसको मानते नहीं हैं। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पर ये अध्याय समाप्त होता है। हम भूगोल के और भी इंटरेस्टिंग अध्याय लेके आएंगे, आप चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।